अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आज फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने मिनी बजट 2019 पेश किया है। हम इस वीडियो में उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन इससे पहले दो टर्म से आपकी वाकफियत ज़रूरी है। पहली नॉन फेलर्स की है, आपका जानना ज़रूरी है। नॉन फेलर हैं जो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, लाजमी नहीं कि वो टैक्स ना दे रहे हों, बल्कि ऐसे लोग जो टैक्स भी दे रहे हों लेकिन वो अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करें वो नॉन फेलर्स ही होते हैं। और इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो सिरे से अपने टैक्स अदा नहीं करते, दोनों किस्म के लोग नॉन फेलर्स कहलाते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट फेलर्स ऐसे लोग होते हैं जो बाकायदा अपने टैक्स अदा करते हैं, उनका एक्टिव टैक्स पेयर में FPR की वेबसाइट पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आ रहा होता है और वो रेगुलरली अपने टैक्स अदा कर रहे होते हैं। तो इस बजट में फेलर्स के लिए और नॉन फेलर्स दोनों के लिए ही कुछ आसानियां पैदा की गई हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आसानियां पैदा की गई हैं जो ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट्स बिजनेस से ताल्लुक़ रखती हैं, ताकि पाकिस्तान की करे और अपनी डेवलपमेंट करे और पान को आगे लेके जाए। तो नॉन फेलर्स के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट 1300 सीसी तक की गाड़ियां आप परचेज़ कर सकते हैं, पहले उनके लिए अलाउ नहीं था। इवन वो 800 सीसी गाड़ी भी परचेज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये 1300 सौ तक की गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस मिनी बजट में सामने आया है नॉन फेलर्स के लिए। अब नॉन फेलर्स 5 मिलियन तक की प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, यानी 50 लाख की प्रॉपर्टी जो पहले अलाउ नहीं थी वो इस मिनी बजट में उनको अलाउ किया गया है। फेलर्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर उनको कैश विदड्रॉल पर विदहोल्डिंग टैक्स अदा करना पड़ता था 3% तक, वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी 1 लाख के पीछे उनको 300 रुपये अदा करने पड़ते थे, इस बजट में इस टैक्स का खात्मा हो गया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि फाइलर्स अब अपने ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के थ्रू इजीली कर सकेंगे। मैरिज हॉल पर भी टैक्स बहुत कम कर दिया गया है, और ये पहले 20,000 रुपये की हद तक था लेकिन अब 5,000 रुपये तक रिड्यूस किया गया है। बहुत ही सफिशेंट अमाउंट है जो कि रिड्यूस की गई है, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा छोटे शादी हॉलों पर। मोबाइल फ़ोन पर भी टैक्स लागू किया गया है, और जो महंगे मोबाइल फ़ोन हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लागू किया गया है, जबकि जो सस्ते और आम फ़ोन हैं जो गरीब लोग लेते हैं उन पर टैक्स की मकदार कम की गई है। और जो जितना मोबाइल बढ़ता जाएगा, जितनी प्राइस उसकी, उतना ही उस पर टैक्स बढ़ता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि मकदार कम की गई है, और जो जितना मोबाइल बढ़ता जाएगा, जितनी प्राइस उसकी, उतना ही उस पर टैक्स बढ़ता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं उन पर 400 रुपये तक टैक्स लागू होगा, ऐसे मोबाइल जिनकी प्राइस 1000 रुपये टैक्स लागू होगा, और ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनकी मालियत 60,000 रुपये तक होगी उन पर 6,000 रुपये टैक्स लागू होगा, ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनकी प्राइस 1,05,000 रुपये तक होगी उन पर 8,000 रुपये तक टैक्स लागू होगा, और ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनकी 1,50,000 रुपये तक मालियत होगी उन पर 23,000 रुपये टैक्स लगेगा, और ऐसे एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन जिनकी मालियत 1,50,000 रुपये तक होगी उन पर 41,000 रुपये तक टैक्स लागू होगा। हमने देखा कि जो रेट बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह टैक्स की अमाउंट भी बढ़ती जा रही है। किसानों के लिए खुशखबरी के 200 रुपये तक यूरिया की बोरी पर छूट दी गई है, 200 रुपये उसका रेट कम किया गया है इस मिनी बजट में। किसानों के लिए भी एक खुशखबरी कम से कम रखी गई है। न्यूज़पेपर्स के बारे में भी एक गुड न्यूज़ है कि उन पर जो ड्यूटी आयद थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, और अब न्यूज़पेपर पर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होगा। तो ये इस मीडिया के लिए बहुत ही आसानी पैदा की गई है। एनर्जी सेक्टर के बारे में भी गुड न्यूज़ है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोलर पैनल में या विंड टरबाइन में और एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उन पर 5 साल के लिए किसी भी किस्म की कोई ड्यूटी या टैक्सेस लागू नहीं होंगे। इस
इस छूट के बाद उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर एनर्जी प्रोडक्शन में भी आगे आ सकेगा। रॉ मटेरियल पर जो टैक्सेस थे उनमें भी काफ़ी छूट दी गई है या उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आगे लाया जाए और पाकिस्तान का डेफिसिट को कम से कम, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में बाहर भेजने में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल हो, और स्मॉल बिजनेस पीपल जो टैक्स रिटर्न जमा कराते थे एवरी मंथ अब वो साल में सिर्फ 2 दफ़ा टैक्स जमा कराएंगे। ये भी एक बेहतर सहूलत उनको दी गई है। ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस मिनी बजट के जो आज असद उमर ने पेश किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। 2 दफ़ा टैक्स जमा कराएंगे ये भी एक बेहतर सहूलत उनको दी गई है। ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस मिनी बजट के जो आज असद उमर ने पेश किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद